टोला सेवक संघ के द्वारा आज जिला अध्यक्ष अशोक चौधरी की अध्यक्षता में निजी होटल में प्रेस वार्ता किया गया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य एजेंडा हम लोगों का है कि राज्य सरकार हम लोगों के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है, कि 2015 से लेकर आज तक हम लोगों को मानदेय में किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं हुई। आज इतनी महंगाई में मात्र हम लोगों को 8,000 रुपये मानदेय के रूप में दी जाती है। सातवां पे 2017 में आया, अन्य कर्मियों को सारी सुविधाएं मिली लेकिन इससे हम लोगों को वंचित रखा गया। इसी के संदर्भ में आज हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको बताना चाहते हैं कि हम लोग भी आपके एक कर्मी हैं और हम लोगों के साथ क्यों सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। मुख्य रूप से हम लोगों की मांग जो है कि शिक्षा सेवकों की मानदेय 8,000 रुपये से बढ़ाकर 24,000 रुपये किया जाए, जिससे हमारे परिवार, हमारे बाल बच्चों की शिक्षा भरण पोषण सही रूप से हो सके। इसके साथ ही साथ भविष्य को देखते हुए आगे हमें NIOS के तहत डीलर ट्रेनिंग राज्य सरकार द्वारा कराई जाए कि जो आने वाले समय में हमारा भविष्य जो है उज्जवल हो। इसके साथ ही साथ हम लोगों को जो कार्य मिला है महादलित के बच्चों को पढ़ाने के लिए, सबसे निचले तबके के जिसमें मुसहर जाति के लोग हैं, बच्चे हैं, मिस्तर जाति के बच्चे हैं, पहले इन लोगों को TLM की राशि दी जाती थी लेकिन कई वर्षों से ये राशि को बंद कर दिया गया है, जिससे बच्चों को पठन पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो पहले मिलता था TLM की राशि, उस राशि को भी पुनः चालू किया जाए। अभी राज्य सरकार द्वारा हम लोगों को EPF कटौती के बारे में फॉर्म भरवाया गया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि 8,000 रुपये हम लोगों को मिलता है, इससे EPF कटे, EPF काटने के पहले हम लोगों की मानदेय में वृद्धि हो, और इसके साथ साथ जो अन्य कर्मियों की जो सुविधा मिलती है, आवास हो गया, LIC की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा, अन्य तरह की छुट्टियाँ, वह सारी हम लोगों को मुहैया कराया जाए। और इसके साथ साथ हम सभी तमाम शिक्षा सेवक एक निचले तबके से, एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, अगर इसमें किसी शिक्षा सेवक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी परिवार की स्थिति दयनीय हो जाती है। तो हम राज्य सरकार से यह मांग करना चाहते हैं कि उनकी मृत्यु होने पर उनके बच्चे या पत्नी को अनुकंपा की लाभ दिया जाए। इसके बाद छठा जो है कि दिसंबर 2012 से लेकर आज तक दिसंबर 2012 से लेकर मार्च 2013 तक 4 महीने का हम लोग का मानदेय बाकी है। इसके लिए हम लोग राज्य सरकार के पास आवेदन देने का काम किए हैं, जन शिक्षा निदेशालय पटना में देने का काम किए, आरा में देने का काम किए ऑफिस में, उसके बाद DM के साहब को भी हम लोग देने का काम किए। इसके संदर्भ में हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए लेकिन इस पर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैं चाहता हूँ कि इसे भी जल्द से जल्द सरकार हम लोगों की जो 4 माह की बकाया राशि है उससे भुगतान करे। और ये सारी मांगों को लेकर हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि राज्य सरकार को ये सारी समस्याएं जो है वह पता चले। अगर नहीं, एक हम लोग समय रखें कि शिक्षा सेवा की मुख्य जो ये सारी मांगे हैं अगर 31 जनवरी 2019 तक पूरा कर दी जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो पूरे शिक्षा सेवक में एक आक्रोश की भावना बनी हुई है और विगत आने वाले जो फरवरी माह है उसमें हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे और सरकार के प्रति आंदोलन करने का विचार कर रहे हैं। अगर हम लोगों को लग्न नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन पर उतरेंगे। मैं अशोक कुमार चौधरी, शिक्षा सेवक जिला अध्यक्ष, भोजपुर।